नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर मेडल की हैट्रिक लगाने से चूक गईं। वो 25 मीटर पिस्टल इवेंट में चौथे नंबर पर रहीं। इससे पहले मनु भाकर भारत के लिए 2 ब्रॉन्ज मेडल दिलवा चुके हैं। आज वो तीसरे मेडल के लिए मुकाबले में थीं। पेरिस ओलंपिक में एक महिला बॉक्सिंग मैच के दौरान हुए विवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बयान जारी किया है। ओलंपिक में अल्जीरिया और मुक्केबाज ईमान खलीफ और इटली की मुक्केबाज एंजेला करीने के बीच हुए मैच के बाद विवाद खड़ा हो गया। खलीफ और करीने के बीच हुआ मैच 46 सेकंड के बाद ही खत्म हो गया था। इटली की मुक्केबाज एंजेला करीने मैच के 30 सेकंड के भीतर एक पंच खाने के बाद हेड गियर ठीक करने कोच के पास पहुंच गई थी। दोबारा मुकाबला शुरू होने के बाद चंद सेकंड के बाद ही उन्होंने आगे मैच खेलने से मना कर दिया था। इसके बाद से अल्जीरिया की मुक्केबाज ईमान खलीफ को लेकर विवाद शुरू हो गया था। उनके पुरुष होने की बात कही जा रही थी। इस विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और पेरिस ओलंपिक की बॉक्सिंग यूनिट ने संयुक्त रूप से बयान जारी किया है। जारी बयान में कहा गया है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के खेलों में भाग लेने का अधिकार है। जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पेरिस ओलंपिक के बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ी पात्रता और प्रवेश नियमों के मुताबिक हिस्सा ले रहे थे। साथ ही सभी खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक की बॉक्सिंग यूनिट के तय किए गए मेडिकल नियमों का अनुपालन भी करते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सहित 100 से अधिक देशों को अगले कुछ दशकों में उच्च आय वाले देश बनने में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और प्रति व्यक्ति आय के मामले में अमेरिका के 1/4 तक पहुंचने में भारत को लगभग 75 वर्ष लग सकते हैं। इस रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि जब विश्व गुरु विश्व बैंक के दरवाजे पर ईडी और सीबीआई भेज देगा तब नए आंकड़े देखेंगे। महाराष्ट्र में मौसम की तरह इस वक्त राज्य की राजनीति भी करवट बदल रही है। इसी बीच हो रही तेज बारिश में ही मनसे चीफ राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे, जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा यहां तक है कि मनसे चीफ राज ठाकरे ने राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे से बात की है, हालांकि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन चौधरी ने यूपी की योगी सरकार पर जोरदार हमला किया है। इकरा ने धर्मांतरण से जुड़े कानून में किए गए बदलाव पर बात करते हुए योगी सरकार पर कई सवाल खड़े किए। इकरा हसन ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार सिर्फ धर्म की राजनीति करना चाहती है। इसी तरीके से सिविल मैटर में जिस तरह से राज्य सरकार दखल दे रही है वो लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं फंसा कर या गलत तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है तो हमारे पास जो पहले से कानून है वो पर्याप्त है, लेकिन भाजपा धर्म की राजनीति की वजह से ऐसा कर रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान उन्होंने नेम प्लेट लगाने का जो आदेश दिया था वो इसी के तहत था। अब इनकी राजनीति दम तोड़ती जा रही है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। आगरा में दो हिंदू युवकों ने ताजमहल के अंदर गंगाजल चढ़ा दिया। ये दावा दोनों युवकों ने किया है। शनिवार की सुबह दोनों युवक बोतल में पानी लेकर ताजमहल में घुसे। युवकों ने अंदर जाते और जल चढ़ाते हुए वीडियो बनाकर वायरल किया। CISF ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों युवक हिंदू महासभा से जुड़े बताए जा रहे हैं। उनकी पहचान मथुरा के बीनेश और श्याम के रूप में की गई है। पुलिस की ओर से ताजमहल के अंदर गंगाजल चढ़ाए जाने की पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने जांच की बात कही। कर्नाटक बीजेपी पदयात्रा निकाल रही है जो सिद्धरमैया के खिलाफ कथित मूडा घोटाले को उजागर करने की कोशिश बताई जा रही है। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी जन आंदोलन शुरू किया है। जन आंदोलन का उद्देश्य कर्नाटक में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा किए गए 21 प्रमुख भ्रष्टाचार के मामलों और अन्याय को उजागर करना है। 3 अगस्त से शुरू होने वाली भाजपा के 7 दिवसीय बेंगलुरु मैसूर पदयात्रा का उद्देश्य कथित मूडा घोटाले की CBI जांच के लिए दबाव डालना है। केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 358 हो गई, क्योंकि बचावकर्मी मलबे के नीचे और ढहे हुए घरों में फंसे जीवित बचे लोगों का पता लगाने के लिए लगे पड़े हैं गहरे खोज रडार का उपयोग कर रहे हैं। मणिपुर के जिरीबाम जिले में शांति वार्ता के एक दिन बाद ही एक और आगजनी की घटना घटी। इस घटना में एक मैतेई परिवार का घर जला दिया गया। ये घटना शुक्रवार रात को हुई। इससे पहले मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों ने जिले में शांति और आवाजाही के लिए बैठक की थी। आगजनी की यह घटना लालपानी में हुई। लालपानी एक बंगाली बहुल इलाका है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुन लिया गया है। उन्हें पार्टी के प्रतिनिधियों की तरफ से सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। कमला हैरिस ने फोन पर बात करते हुए कहा कि इस महीने के अंत में शिकागो में होने वाले डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से पहले संभावित उम्मीदवार चुने जाने पर सम्मानित महसूस कर रही हूं।
संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ का कहना है कि बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कई बच्चों की मौत हुई है। बच्चों के लिए काम करने वाली यूएन की संस्था यूनिसेफ का कहना है कि बांग्लादेश में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कम से कम 32 बच्चों की मौत हुई है। यूनिसेफ के प्रवक्ता का कहना है कि मारे गए बच्चों में से एक की उम्र अभी 5 साल भी नहीं हुई थी। मारे गए अधिकतर लोग सिर्फ प्रदर्शन को देख रहे थे। बीबीसी बांग्ला के सत्यापित किए गए आंकड़ों के मुताबिक ये बच्चे उन 200 लोगों में शामिल हैं जो बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर हुए प्रदर्शन में मारे गए थे। अब तक के सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।